हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं स्त्री 3 मूवी से जुड़ी कुछ लेटेस्ट अपडेट के बारे में। तो दोस्तों, स्त्री 2 की सक्सेस के बाद अब सभी की निगाहें टिकी है स्त्री 3 की ओर। स्त्री 2 की सफलता के बाद अब सभी की निगाहें हॉरर कॉमेडी फ्रेंचाइजी की तीसरी मूवी पर देख रेख चल रही है। लोग सोशल मीडिया पर सर्च कर रहे हैं कि क्या उनकी कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट आई तो नहीं। श्रद्धा कपूर और राजकुमार राव की जोड़ी, ये दोनों की जोड़ी ने इसमें बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया और ये हॉरर कॉमेडी मूवी की कहानी भी दर्शकों को काफी पसंद आई। स्त्री 2 लगातार बॉक्स ऑफिस पर कमाई के नए झंडे गाड़ती ही गई और इसने बहुत ही अच्छा इतिहास रच दिया। स्त्री 2 को इसकी पहली किस्त स्त्री से भी ज्यादा पसंद किया गया। इस मूवी में इस बार सरकटे का आतंक देखने को मिला और सरकटे का आतंक वाकई में बॉक्स ऑफिस पर जमकर आतंक फैला रहा है। स्त्री 2 को दर्शक बेहद ही पसंद कर रहे हैं और अब इनकी तीसरी किस्त के आने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। तो वहीं अब सवाल खड़े हैं कि क्या स्त्री 3 में अक्षय कुमार दिखने को मिलेंगे या नहीं। मूवी स्त्री के डायरेक्टर आमिर कौशिक ने अपनी चुप्पी तोड़ी है और बताया गया की सर्त पर स्त्री 3 में अक्षय कुमार नजर आ सकते है। स्त्री 2 में अक्षय कुमार और वरुण धवन ने कैमियो किया था जो दर्शक द्वारा खूब पसंद किया गया था। वहीं अब स्त्री 3 में अक्षय कुमार नजर आएंगे या कहना अभी जल्दबाजी होगी। डायरेक्टर का कहना ऐसा है क्योंकि अभी स्क्रिप्ट पर काम चल रहा है। दर्शकों को स्त्री 3 के लिए भी एक लंबा इंतजार करना पड़ेगा क्योंकि इस मूवी के लिए दमदार कहानी तैयार करनी होगी। फिल्म स्त्री 2 से आगे की बढ़कर कहानी इस स्त्री 3 में देखने को मिलेगी। दर्शकों को स्त्री 2 के लिए भी काफी लंबा इंतजार करना पड़ा है। मूवी स्त्री 2018 में रिलीज हुई थी और इनका दूसरा भाग देखने में 6 साल लग गए और अब लगता है कि स्त्री 3 में भी इतने साल लग जाएंगे तो दर्शकों को एक बहुत ही बड़ा इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन मेकर्स का कहना है कि 6 साल तो नहीं लगेंगे, इसमें केवल 3 साल ही लगेंगे। फिलहाल इनकी स्क्रिप्ट पर काम चल रहा है, जैसे स्क्रिप्ट लॉक हो जाएगी तो ये मूवी की स्टार कास्ट की अनाउंसमेंट की जाएगी और स्त्री 3 की भी अनाउंसमेंट की जाएगी। इस बार स्त्री 3 में अक्षय कुमार को लेने की भरपूर कोशिश चल रही है तो इस बार स्त्री 3 में उनका पूरे का पूरा रोल देखने को मिलेगा, ना सिर्फ कैमियो। इसके स्त्री 2 में तो उन्होंने सरकटे का वंशज के रूप में एक रोमांचक कैमियो किया था जो दर्शक द्वारा खूब पसंद किया गया था, लेकिन स्त्री 3 में तो वो पूरा वंशज ही देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, आप भी ऐसी कहानी वाली स्त्री 3 मूवी देखने के लिए कितना इंतजार कर रहे हैं कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं और आगे इस मूवी से जुड़ी और भी लेटेस्ट अपडेट जानने के लिए वी आर गुज्जू चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।